रामपुर में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के निकट जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दर्ज किए जा रहे मुकदमे और जौहर यूनिवर्सिटी पर की जा रही कार्रवाई पर निशाना साधा। उन्होंने साइकिल रैली को 2022 के चुनाव प्रचार का आरंभ बताते हुए कहा कि आज मौसम सुंदर हो गया है, साइकिल चलेगी तो प्रदेश में राजनीतिक मौसम भी बदल जाएगा। मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ हुई झड़प को उन्होंने अपने ऊपर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में सुनियोजित षड्यंत्र था, पहले लिफ्ट बंद कर दी गई ताकि हम लोग नहीं निकल सकें, लेकिन किसी ने ये खबर नहीं चलाई। रामपुर का इसलिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा अन्याय रामपुर में हो रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं, आदरणीय आजम खान साहब उनके तमाम सहयोगी साथियों पे न जाने कितने छोटे मुकदमे लगे और वो आज हमारे बीच नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के एहसास रहे पर तमाम छोटे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि न्यायपालिका से आदरणीय आजम खान साहब उनके साथी और परिवार को न्याय मिलेगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये रैली कहां से कहां तक जाएगी? लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये रैली कहां से कहां तक जाएगी सर? ये फिलहाल जहां तक रामपुर के लोगों ने कार्यक्रम बनाया वहां तक साइकिल जाएगी सर। कल फिर रामपुर से लेकर के लखनऊ तक चलेगी, लगातार हर जिले में इसी तरह विधानसभा के एक विधानसभा भी दूसरी विधानसभा साइकिल यात्रा चलती रहेगी। कल मुरादाबाद की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि सबकी सीमाएं हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। आज की साइकिल, मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते किसी की और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है, जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो इस तरह आप के... खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो? अब ये रैली आगे तक जाएगी, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है, वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि उन पर तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगा दी गई हैं, उन पर भी हमला किया गया है, उनके पैर में चोट लगी है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वे चुनाव प्रचार न कर सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा गिरावट भारत में आई है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल में ठूस दिया जाता है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री न बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। तो आगे जो रैली जाएगी, आगे जो प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, एक दो लोगों ने, सबने नहीं, एक दो लोग कहां से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पर। सर लिफ्ट में कितने टाइम तक फंस रहे हैं? कम से कम 5 मिनट। आगे रैली जाएगी तो इस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं कई और जिलों में, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सपा पे भी हो रहा है मुकदमे, तो हम पे भी दर्ज हो रहे हैं। जी जी जी, समाजवादी पार्टी में दर्ज हो रहे हैं, कोविड में दर्ज हुए, एनआरसीसी में दर्ज हुए, एनआरसी में हुए, सीए में हुए, सब पे मुकदमे हैं, और पत्रकार साथी अगर सच दिखा दे तो पत्रकारों पे भी हो रहे हैं। और तभी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे ज्यादा गिरावट का अगर कहीं आंकड़ा आया तो भारत का आया है। आप कुछ सच नहीं बोल सकते, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे, आप कोई आंदोलन करोगे तो जेल भेज जाओगे। पॉलिटिकल लोगों पे सबसे ज्यादा अन्याय, झूठे मुकदमे कहीं लग रहे हैं तो भारत में लग रहे हैं, इसीलिए तो डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप नीचे जा रहे हैं। सर आप दुनिया में कैसे दिखाओगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? सर आपका कहना है कि हमला आपके ऊपर था कि आगे भी इस तरीके का खतरा है? 2022 खतरा नहीं, और इससे भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हमला कराएंगे। न्यूज डेस्क, INN।